हेलो फ्रेंड्स, जागृतिस वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागृति भट्ट। आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची का ठेचा। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पर तवा गरम करने रख दिया। उसमें 1 बड़ा चम्मच जितना हम तेल डालेंगे और लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। उसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। तो लहसुन की कलियाँ थोड़ी रोस्ट होना शुरू हो गई है। अभी हम इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे, फ्रेश लाल मिर्ची। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये ठेचा की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जिसको तीखा पसंद है उसके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स। और इसे आप भाकरी के साथ या फिर कोई भी फरसान के साथ, गाठिया वगैरह के साथ खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स ये ठेचा। तो देखो, ये अच्छे से रोस्ट कर लिया हमने। अभी हम इसे निकाल लेंगे। लहसुन की कलियां हमारी रोस्ट हो चुकी है। अभी उसे और ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इसका टेस्ट बिगड़ सकता है फ्रेंड्स। तो लाल मिर्ची को अभी थोड़ा और रोस्ट करेंगे हम। तो देखो, ये लाल मिर्ची हमने रोस्ट कर ली। अभी हम इसे निकाल लेंगे और अभी हम इसी में डाल देंगे मूंगफली के दाने। 2 बड़े चम्मच जितने मूंगफली के दाने हमने लिए हैं यहाँ पे, उसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के दाने थोड़े थोड़े रोस्ट होने लगे, थोड़े फूटने की आवाज़ आने लगे। फिर हम इसमें कोपरे का पीस हमने करके रखा है, ड्राई कोपरे का पीस लिया है यहाँ पे, सूखे कोपरे का। तो वो हम डाल देंगे और इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। नमी निकल जाए तब तक हम कोपरे को रोस्ट करेंगे। कोपरे के पीस को ज़्यादा रोस्ट करने से उसका टेस्ट बिगड़ सकता है फ्रेंड्स। ये थोड़ा रेडिश होने लगेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कोई कोई पीस में रेडिश होने लगा है। तो अभी फटाफट हम इसे निकाल लेंगे। तो देखो, ये निकाल लिया। अभी हम लाल मिर्ची के डंठल निकाल लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो फिर फ्रेंड्स आप इसमें से बीज निकाल लें, और बीज के साथ बहुत ही तीखी चटनी बनेगी। तो यहाँ पे हमें तीखी चटनी बनानी है तो मैंने बीज वगैरह नहीं निकाला फ्रेंड्स। तो अभी सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने रोस्ट करके लिए हैं वो मिक्सर जार में डाल देंगे और उसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। रफली क्रश करना है हमें, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं करनी है। तो देखो, ये चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृत इस वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।